हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो बनाऊंगी जिससे आप अस्तर वाला ब्लाउज या अस्तर वाली कुर्ती बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये मेरा ब्लाउज है, इसमें जब हम अस्तर लगाते हैं और फिर ये प्लेटेड डालते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब तो ये हम दोनों दोनों प्लेट फैब्रिक में डाल से रहे एक हो? फैब्रिक छूट जाता है और एक में हमारी प्लेट आ जाती है, तो ये दोनों फैब्रिक में आसानी से किस तरह प्लेट आएगी वो मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। के लिए हमने ये एक अस्तर कट किया है और एक ऊपर का फैब्रिक कट किया है। पहले हम इसको दोनों को सेट कैसे करेंगे और उसके बाद ये प्लेट किस तरह डालेंगे ये हम बताएंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरह सेट कर लेंगे, अस्तर और ऊपर वाले पोर्शन को, और यहाँ पर हम पिनअप करेंगे इसको। इस तरह हमने इसको पिनअप कर लिया है। एक कच्चा हम इसके बीच की पोर्शन में कर देंगे, इस तरह निडिल लेंगे और एक कच्चा करेंगे लंबा लंबा टांका लगाकर। इस तरह हमने यहाँ पर एक लंबी सिलाई लगा ली है सुई से, जिससे हमारा फैब्रिक ये सेट हो गया है। अब हम अगर इसको भी निकाल देंगे, पिन को भी, तो ये हमारा कहीं भी हिलेगा नहीं, दोनों साइड से प्रॉपर रहेगा। एक तरीका तो ये है हमारा अस्तर सेट करने का। इसी तरह आप कुर्ती में भी जब अस्तर लगाएं तो वो भी इस तरह बीच में सिलाई लगाकर उसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह ब्लाउज में जितने पीस होते हैं हमारे, 3 पीस होते हैं, फ्रंट बैक, दो फ्रंट और एक बैक का, तो उसको इस तरह सेट करेंगे, या फिर पिनअप भी कर सकते हैं और फिर सुई से इसमें हम चारों साइड सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम इसकी प्लेट कैसे तैयार करेंगे? यदि हम इसकी प्लेट इसी तरह लगाएंगे, इस तरह, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक फैब्रिक छूट जाता है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करना होगा, या तो आप, अगर आप सिलाई करते हैं तो आप इसमें डायरेक्ट एक सिलाई लगा ले सिंपल सारी प्लेट्स के ऊपर, या फिर आप सीख रहे हैं सिलाई तो सबसे पहले यहाँ पर कच्चा कर लें दोनों पीस पे, इस तरह कच्चा कर लेंगे आप। इस तरह हमने ये दो प्लेट्स पर कच्चा कर लिया है और दो प्लेट्स पर हम आपको सिलाई लगाकर दिखाएंगे। इस तरह हमने जो ब्लाउज का हमारा एक पोर्शन है उस पर हमने एक साइड आपको कच्चा करके बताया है और एक साइड हमने सिलाई लगाई है। ऐसा करने से हमारी जो प्लेट है वो दोनों पीस में बराबर आएगी। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे, तो उसके लिए हम इसको इस तरह लेंगे और यहाँ से इसको इस तरह लेंगे, फिर फैब्रिक को इस तरह कर लेंगे जिससे ये फैब्रिक हमारा सेट हो जाए। और अब जितनी भी हमें नीचे से चौड़ाई रखनी हो उस पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर इस तरह नोक बना लेंगे, तो यहाँ पर हमारी ये सिलाई इस तरह आएगी। यहाँ से हम इसको इस तरह लेंगे,
इस तरह हमने कच्चा किया और एक पहले सिलाई लगाई, तो इससे हमारी जो प्लेट है ये परफेक्ट आई है। हमारे जो दोनों फैब्रिक हैं वो यहाँ पर सेट आ गए हैं। कोई भी फैब्रिक हमारा छूटा नहीं है इसमें। इस तरह ये हमारा ब्लाउज का एक पीस हमने रेडी कर लिया है। आज मैंने अपनी वीडियो में केवल आपको यही बताया है कि जो भी हम लाइनिंग वाली कुर्ती बनाएं या ब्लाउज बनाएं तो उसमें पहले अस्तर किस तरह सेट करेंगे, और अगर आपको ये प्लेटी डालनी है तो प्लेट आप किस तरह डालेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू।